रद्दी वाला चिक्की ले ले चिक्की, रद्दी बेचने का रद्दी, चिक्की ले लो चिक्की, रद्दी दे दो रद्दी, चिक्की वाला चिक्की, रद्दी दे दो रद्दी, चिक्की ले लो मेम साहब चिक्की, रद्दी बेचने का रद्दी, चिक्की ले लो चिक्की, चिक्की ले लो रद्दी, रद्दी वाला आ गया रद्दी, रद्दी पेपर ले ओ चिक्की। अरे क्या यार, चिक्की ले लो चिक्की, चले जाओ चिक्की है भाभी, चिक्की ले लो चिक्की, रद्दी वाला चिक्की लाओ। क्या चिक्की? तू नहीं, रद्दी वाला आया मैम साहब। जाओ भाई, तुम्हारी पहली भोनी हो गई, जाओ। आता हूँ मैम साहब। चिक्की लो चिक्की। ये लो रद्दी, बनिया आया था मांगने मगर मैंने नहीं दी। क्यों? 10 आने से मांग रहा था, आखिर है तो रद्दी, इसमें बिजनेस क्या करना, सोच समझ कर मांगना चाहिए ना। सच है, धंधा उसे कहते हैं जो नेकी से किया जाए। 10 आने में भी रद्दी मिलती है, पर ये वो रद्दी नहीं है, पर ये कीमती रद्दी है। अच्छा भाव खुश होकर देना चाहिए। 1 किलो होगी? कैसे? 1 किलो से ज्यादा होगी, पर है तो कीमती ना। ये लीजिए। रहने दीजिए ना, ये क्या सोना है जिसे इस्तेमाल करना है? सोना तो नहीं है, पर ये रद्दी तो है ही ना। ये लीजिए 1 रुपया। ये लो, ये 8 आने। अच्छा, गरीब पर कृपा रखिए। अच्छा चल रहा हूं। रद्दी पेपर। मुझे वो लोग मारेंगे, मुझे जाने दो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे जाने दो। दूसरे की साइकिल चुराते हुए नहीं सोचा था? मैं नहीं हूँ, मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। चोरी करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? फिर बोलता है छोड़ दो। अरे भाई, अरे छोड़ छोड़, अरे वो लोग आगे तो मुझे जान से मार डालेंगे। अरे छोड़ भाई, मुझे बहुत भूखा। अरे आगे वो लोग, अरे मार डालेंगे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे। चल चुपचाप चल। शुक्रिया भाई, चलो ले चलो थाने। पुलिस स्टेशन ले जाके क्या करना है, 2-4 यही रखो साले को। चल शिरपा, तो इन लोगों के झमेले में मत पड़, चल। हमारी साइकिल होती तो तुम लोग क्या करते? क्यों भाई? ओ साइकिल वाले, जाने दो ना, चल रे। अरे तुम्हारी साइकिल नहीं थी ना, चलो चल रे, इसे पीटते हुए ले चलो। क्या बोला बे तू? अरे भाई मुझे क्यों मारे, छोड़ दो मुझे, चल चल चल, मैं पुलिस स्टेशन लेके चलता हूँ। चलो तुम भी आओ, हटो, जाओ यहाँ से अपने अपने घर पे। इसको तो मैं संभाल, हमारा सामान जरा घर पहुँचा देना, मैं भी आता हूँ। पापा, पापा।
बेटी कौन है तुम्हारे पिता? वो देखिए, वो चोर? नहीं, मेरे पापा चोर नहीं। पापा, माँ। सारुताई। ओह, ये लीजिए आपके पिताजी की स्टेट। आपने क्यों लाए पेपर? शिरपा बुड्ढे को जमाई का गुण लग गया है। जमाई का गुण? अब बेकार में पेड़ा खाकर रोड़ा मत बनो। तुम्हारा वो शिरपत मास्टर नहीं है क्या? घर का काम छोड़ फौज की रोटियां खा रहा है। खैर छोड़ो, जाने दो उसे। आज तेरे शिरपा ने चोर पकड़ा है। चोर पकड़ा है? हाँ, गवाही देने पुलिस स्टेशन गया है। आप पंचनामा, सवाल जवाब, 17 सवाल किए जाएंगे वहाँ। लेकिन खाना खाने आएंगे ना? आएगा ना, चोर को सरकार खाना खिलाएगी, चोर पकड़ने वाले को कौन खिलाता है। जा बेटी, खाना बना, तब तक मैं अपना काम करता हूँ। क्या है आपके पास? माचिस है क्या? माचिस दिखाई नहीं दे रही है। माचिस चाहिए? ये लो। सरोज, बेटी सरोज। आई बापू। चाय नहीं चाहिए बेटी आज? मैं जरा हाथ पैर धो लूं। तुम भगवान की तस्वीर पे अगरबत्ती जला दो। चाय पी लीजिए ना। नहीं नहीं, चाय नहीं पी जाएगी। आज ये गरीब आदमी को सलाखों के पीछे भेज दिया। वो चोर था ना? चोर को गरीब कह रहे हैं आप? बेटी गरीबी से तंग आकर ही चोर बनते हैं। नहीं नहीं, बहुत शातिर होते हैं ऐसे बदमाश लोग। वो नहीं था, उसका शरीर बता रहा था। उसके वो अंदर जा चुके गाल, चेहरे पर दिखाई दे रहे हार्ड, पुलिस ने बुरी तरह मारा उसे, देखा नहीं गया मुझसे। आपने तो अच्छा किया, अपराधी को पकड़कर एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य निभाया। वो सब नहीं पता मुझे, सब भगवान जानता है। खैर जो हुआ सो हुआ। संभा आया क्या? काफी देर हो गई। संभा, अरे ओ संभा, चले जरा भगवान का गुणगान करने। चलने दे चलने दे, तब तक मैं प्रसाद तैयार करता हूं। अच्छा अच्छा। दाता तू जग का तू पालनहार, दाता तू जग का तू पालनहार, सब पे दया की दृष्टि तेरी,
सब पे दया की दृष्टि तेरी, दाता तू जग का तू पालनहार। पूजा तेरी मैं करता रहूं, पूजा तेरी मैं, पूजा तेरी मैं, पूजा तेरी मैं करता रहूं, महिमा तेरी मैं गाता रहूं, महिमा तेरी मैं गाता रहूं, दाता तू जग का तू पालनहार। रखता है दाता ध्यान तू सबका, रखता है दाता ध्यान तू सबका, तू ही हिसाब रखे पाप और पुण्य का, तू ही हिसाब रखे पाप और पुण्य का, दाता तू जग का तू पालनहार। मिलती है शक्ति तेरे भजन से, मिलती है शक्ति, मिलती है शक्ति, मिलती है शक्ति तेरे भजन से, मिलती है मुक्ति तेरे नमन से, मिलती है मुक्ति तेरे नमन से, दाता तू जग का तू पालनहार, दाता तू जग का तू पालनहार। पांडुरंग 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 पांडुरंग। शिल्पा यह चलता है ना एकादशी को? बापू कुछ खा ही नहीं रहे हैं। यह क्या है शिल्पा? आज खाने की ओर मेरा ध्यान ही नहीं है। क्या ठीक नहीं लग रहा है क्या? बात वो नहीं है, मगर आज पुलिस चौकी में उस बेचारे को उस साइकिल चोर की पिटाई मुझसे देखी नहीं गई। उसका वो मासूम चेहरा आंखों के सामने आता है मेरे। अच्छा अच्छा, इसलिए नहीं खा रहा है। ले चल, खा लेना। नहीं चल, बैठ बैठ। आप भी खाना खा लो ना चाचा। अपने घर में खा चुका हूँ, लेकिन तुम परोस रही तो फिर खा सकता हूँ। खाओ खाओ शिल्पा, खाओ, उठाओ। इंस्पेक्टर साहब। अबे चुपचाप खाना खा ले, चोरी करता है और अब रो रहा है। हवलदार साहब, जो सजा देनी है दे दीजिए, पर क्या? मेरी बीवी के बारे में मुझे बता दीजिए। वो माँ बनने वाली थी, हाल ही में पूरे दिन हुए थे, इसके लिए उसे
अस्पताल ले जाने के लिए पैसे नहीं थे, उसे ऐसे ही तकलीफ में उठाया और हॉस्पिटल ले गया। कौन सा हॉस्पिटल? लीलावती हॉस्पिटल। यानी एक और चोर पैदा हुआ होगा। हॉस्पिटल में पैदा होते ही नर्स की अंगूठी चुराई होगी। ऐसा मत कहिए साहब, कृपा करके फोन करके हॉस्पिटल में पूछिए मेरी बीवी कैसी है। पूछो ना जरा, तुम्हारा क्या बिगड़ता है मेरे ठेंगे से। साहब मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपा करके आप ही फोन करके पता कीजिए। मैं पूछता हूँ कौन सा हॉस्पिटल? लीलावती हॉस्पिटल। हाँ, डॉक्टर रोहिणी घाट पांडे। हे भगवान। क्या मचमच है? हेलो। यस सर। क्या लावारिस लाश? कहाँ? घाट पांडे के दवा खाने के पास। अभी आ रहा हूं साहब। क्या हुआ हवलदार साहब? कुछ नहीं। हवलदार साहब क्या हुआ बताइए ना। घाट पांडे के अस्पताल के बाहर एक औरत की लावारिस लाश पड़ी है, वो प्रेग्नेंट थी। मैं वहीं जा रहा हूं। विनायक शिवराम नाम का कोई आदमी यहाँ रहता है क्या? वो घर पे नहीं है, मेरे पापा है। घर में कोई बड़ा आदमी नहीं है क्या? माँ थी, वो गई है भैया को लाने। बाहर गया? और पापा गए पैसे लाने। उस बच्ची के बाप को पकड़ा है, आप में से कोई जमानत के लिए तैयार है? चलो। चिक्की वाला आया, चिक्की वाला। चिक्की, अन्ना कितनी रेवड़ी डालूं? जितनी मर्जी में आए डाल दे। अच्छा। इतने कहाँ खो गए अन्ना? पहली सुलझा रहा हूँ। पहली? हाँ। कैसी पहली? अरे 30,000 का पहला इनाम मिलेगा अगर पहली सुलझाई तो। पिछली बार आचारी को इनाम मिला था, सोचा अपनी किस्मत भी आजमा कर देखते। मतलब लॉटरी की तरह होता है ना? लॉटरी नहीं तो और क्या। अरे सांभा, तो गांव का रहने वाला है ना? ओ। इस शब्द का अर्थ तो बता। 3 अक्षरों से बना शब्द है। पहला अक्षर है आ। हाँ। और आखिरी अक्षर है नी। और पूरे शब्द का अर्थ बताया है, गांव के किसान जवान इस पर सुबह हाथ सेकते हैं। किस पर सेकते हैं? इसी का तो प्रॉब्लम है, सब जुड़ रहा है। हाँ। आ और नी का क्या मतलब समझ? बहुत दिमाग वाला काम है। वो तो है। गांव में क्या बोलते बता? शब्द बताओ। हाँ। रद्दी ले लो रद्दी। क्या अन्ना, कितनी रद्दी दूं? अरे शिरपा। हाँ। रद्दी को छोड़। हाँ। पहले मुझे ये बता, गांव के जवान सुबह किस पर हाथ सेकते हैं? मिट्टी से बना चूल्हा। अरे भाई सुबह आग ही जलाओगे ना। अरे अग्नि अग्नि। हाँ, अग्नि अग्नि। आग दो सिल लग गई तो। ए बैठ जरा। अरे सांभा। हाँ। तीनों के नाम पर 3 अलग अलग भरकर भेजते हैं। हाँ, अरे 30,000 का पहला इनाम मिलेगा, देखते हैं किसकी किस्मत चमकती है। हाँ हाँ हाँ, जरूर देखते हैं। अरे भाई किस्मत खुली होगी तो हमारे धंधे में खुलेगी। ये पहली वहली हमारे काम की नहीं है। अरे सारे शहर की रद्दी मुफ्त में मिल जाए तब भी 30,000 रुपए नहीं मिलेंगे तुम्हें। हाँ। हाँ। देख देख क्या मजरा है। मेरे पास टाइम नहीं है। 10 बज गए, मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। है मेरा केस है बाबा। फोकट में सिर पे लिए घूम रहा है। अब क्या कर सकते हैं, लिया है तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। अन्ना 2 किलो रखा है। बराबर।
रद्दी वाला रद्दी। अन्ना, शिरपा के नाम से एक पहेली भेज देते हैं, बचपन से किस्मत वाला है यह। अच्छा हाँ, तो फिर हम एक काम करते हैं, शिरपा के नाम से और अपने नाम से भेजते हैं। हाँ। अरे किसी की तो किस्मत चमकेगी। हाँ, हाँ, जरूर खुलेगी। अन्ना हाँ, जाता हूँ मैं। ठीक है। भाई, आपको जो बताना है आप बता सकती हैं। न्याय करें जज साहब, मैंने उस औरत के हाथों के कंगन चुराए, ये बात सच है। मुझे अपना गुनाह कबूल है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं एक अनाथ विधवा हूँ, बेकारी की वजह से मेरी ऐसी हालत है। किराए के पैसे नहीं थे, इसलिए घर मालिक ने छेड़ना शुरू कर दिया। किसी की मदद नहीं मिली, उल्टे लोग बुरी नजर से मेरी तरफ देखने लगे। इज्जत बचाकर दुनिया में जीना मुश्किल हो गया, इसलिए वेश्या बनने की बजाय मैं चोर बन गई। पेट भर के खाना मिले तो पूरी जिंदगी जेल में गुजारने के लिए तैयार हूँ। पटेल, उसे ले जाओ, इस केस की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। ऑर्डर ऑर्डर, चलो चलो ले चलो। सुनो, क्या है? आज हमारे केस की सुनवाई है ना, मेरे रद्दी का धंधा नहीं हो पा रहा है। ऐसा कौन सा लाखों का धंधा है तुम्हारा जो डूब जाएगा? आकर पुरानी रद्दी तो बेचनी है। मगर... चुप बैठो। नाउ केस नंबर 232, अब्दुल हमीद अब्दुल रशीद। ये मेरा मुक्किल ही हो रहा ना। लंच के बाद शुरू हो गई। अरे गाड़ी आई रे, चिक्की की गाड़ी आई रे, मजा आएगा बाबा, सोचो मत, चले आओ। आहा, आई आई रे गाड़ी मेरी चिक्की की गाड़ी, आई आई रे गाड़ी मेरी चिक्की की गाड़ी। ओ साइकिल वाले, जरा चिक्की तो खा के देख, बहुत मजा आएगा। देखो बकरा बना घोड़ा, जिसको बंदर के संग जोड़ा। देखो बकरा बना घोड़ा, जिसको बंदर के संग जोड़ा। तिल गुड़ की बनी है ये कीमत, बहुत है थोड़ी थोड़ी। आई रे गाड़ी मेरी चिक्की की गाड़ी, आई आई रे गाड़ी मेरी चिक्की की गाड़ी। ओ बहन, चिक्की लेके जा रहा। राजा खाएगा मिठी मेरी राजगिरी की चिक्की, राजा खाएगा मिठी मेरी राजगिरी की चिक्की। एक आना की है, अरे एक आना की, एक आना की एक जोड़ी है। आई रे गाड़ी मेरी चिक्की की गाड़ी, आई आई रे गाड़ी मेरी चिक्की की गाड़ी। ओ तांगे वाले, जरा खा के जा। मीठा मीठा मेवा, अरे सुबह शाम खाओ। मीठा मीठा मेवा, अरे सुबह शाम खाओ। दो रुपए निकालो, अरे दो रुपए निकालो फिर खाओ प्यार से चिक्की। आई आई रे गाड़ी मेरी चिक्की की गाड़ी, आई आई रे गाड़ी मेरी चिक्की की गाड़ी। अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ साहब आ रहा हूँ। मीठा बहुत है स्वाद और है गुलाब की सुगंध, मीठा बहुत है स्वाद और है गुलाब की सुगंध। अरे चक्के देखो थोड़ी, अरे चक्के देखो थोड़ी, मीठी चिक्कियों से भरी है गाड़ी। आई आई रे गाड़ी मेरी चिक्की की गाड़ी, आई आई रे गाड़ी मेरी चिक्की की गाड़ी। आ, जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी खत्म हो जाएगी नहीं तो इतनी बढ़िया चिक्की मिलेगी नहीं तुमको कहीं भी। आई आई रे गाड़ी, आई आई रे गाड़ी, आई गाड़ी।
आई आई रे गाड़ी, आई आई रे गाड़ी, आई गाड़ी। अरे खाओ खाओ चिकी, अरे खाओ खाओ चिकी, आई गाड़ी। अरे आप भी खाओ, अरे तुम भी खाओ खाओ चिकी। तिल गुड़ की बनी है चिकी, कीमत है थोड़ी, बची है थोड़ी, निकालो आना खा ले मेरे यार। अरे खा ले, अरे खा, अरे खा, गाड़ी हो गई खाली। आजो आजो इंस्पेक्टर साहब आगे, आओ आओ जल्दी आओ, चलो चलो, चलो। आइए, नमस्ते, स्वागत। नमस्ते। बच्चों को ऐसे खरीद कर नहीं खाना चाहिए, ये बीमार पड़ जाएंगे। बच्चों के स्कूल के आसपास आने पर पाबंदी लगाओ। जी। ए भेरी वाला, ए भेरी वाले, तू जा यहाँ से, ये सब यहाँ नहीं बेचना, चल जा यहाँ से। ए तुम लोग भी जाओ। ओ मास्टर जी, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। उधर क्या देखते हो, जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना, चलो यहाँ से। बाबूराम पांच पुते, तुलजाबाई मानस मोरे, देश पांडे वकील। मुजरिम बोराडे, केस नंबर 52162। आरोपी बोराडे, तुमने अपने बीवी और बच्चे को जान से मारने के इरादे से नदी में ढकेल दिया, ऐसा सबूत है वकील ने सामने लाया है। इस सबूत के बारे में तुम्हें कुछ कहना है? सच है जज साहब, 4 साल पहले हमने संसार किया, हमें 2 बच्चे हुए, जैसे तैसे हम पति पत्नी जी रहे थे। बच्चे होने के बाद वो भी मुश्किल हो गया, भूखे रहने पड़े, पैसा मिलता नहीं, कहां मिलता नहीं। इन तमाम परेशानियों से बचने के लिए मैंने परिवार को खत्म करने का फैसला किया, और मैं खुद भी मरना चाहता था। हमने बेकार में साइकिल चोर पर केस किया। क्यों? उस औरत ने चोरी किए हुए कंगन बोराडे ने अपनी बीवी बच्चों को मारने के लिए किया प्रयास, ये सब पैसे के लिए हुआ है। हर किसी को पैसा चाहिए, और क्या, लो पकड़ो। नहीं, पैसा ही पैसा, थोड़े से पैसे के लिए आदमी जानवर बन जाता है। पैसा, हाय पैसा, पैसा। अंधे को पैसा दे दे बाबा, अंधे पे रहम करो माए बाप। बाबा कुछ तो दे दो बाबा। बाबा सुनो जरा, एक आना ही दे दो बाबा। बाबा एक आना ही दे दो बाबा। चिक्की, अरे चिक्की ले लो चिक्की, बूढ़े बच्चों की लाली, इसे खाए घर वाली। रहम करो बाबा, ले लो चिक्की, चिक्की लेके आओ ना। ठीक है। एक 4 आने की चिक्की देना बाबा। देता हूँ। ये लो। अरे गाड़ी चिक्की की गाड़ी। अरे बाबा अंधे को भी कुछ दे दो। अंधा है तू? हाँ। ये ले, 12 आने हैं, पूरे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अरे तुझे दिखाई देता है? आज के जमाने में किसको दिखता है बाबा। 8 आने का चिक्की दो। बाबा हाँ हाँ। गरीब पर दया करो बाबा। ये ले बाबा, खाओ 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 बेटा खाओ। गरीब बंधों पर दया करो बाबा। ये ले तू भी ले। चिक्की, बाबा। हाँ बेटा, खाना चाहिए। पैसा
पैसे नहीं है मेरे पास। इसके लिए पैसे देने पड़ते हैं बेटा। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ तो दीजिए ना। ये लो चिक्के। पैसा शेरपा भोसले। जी सर। हाँ, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। झूठ कैसे बोलूँगा, भगवान की कसम सच कहूँगा। जो कहूँगा सच कहूँगा, ऐसा कहो। जिंदगी में मैंने कभी झूठ नहीं बोला साहब। अरे बाबा, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, ऐसा कहो। जी जी, जो कहूँगा सच कहूँगा। वो साइकिल तेजी से चलाता हुआ आ रहा था, सब लोग चोर चोर पकड़ो पकड़ो चिल्लाते हुए पीछे आ रहे थे। मैंने उसे पकड़ लिया। वो मुझसे बोला, मुझे छोड़ दो, मैं चोर नहीं हूं, मेरी बीवी मरने वाली है, मुझे जाने दो। मुझे उस पर रहम आया, उसे छोड़ने वाला था। तभी साइकिल के मालिक ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुझे पकड़ा साहब। साहब, मैंने ही वो साइकिल चुराई थी, मेरी बीवी मां बनने वाली थी और उसके पेट में तकलीफ शुरू हो गई थी और मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। मैं उसे अस्पताल ले गया मगर मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए डॉक्टरों ने उसे एडमिट नहीं किया। मैं उसे वहीं छोड़कर भागता चला गया। सड़क पर मुझे एक साइकिल पड़ी मिली और मैंने वहां से उस साइकिल को उठाया और पब्लिक ने मुझे वहां पकड़ लिया। मेरे पास पैसा नहीं था, इसलिए मेरी बीवी ने अस्पताल के बाहर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया और उसके साथ मेरा बच्चा भी जो उसकी कोख में पल रहा था। सरकार को उसे छोड़ देना चाहिए। ये क्या बोल रहे हो? अरे बड़े ही नौटंकीबाज होते हैं ये चोर। इस हद तक यकीन नहीं होता। यही तो धन दौलत होती है उनकी। मुझे यकीन नहीं है। तुम्हें यकीन ना होने से क्या फर्क पड़ता है, सरकार ने सजा रखी है उसके लिए। कल फैसला हो जाएगा ना, देखते हैं। आरोपी विनायक शिवराम गुन्हे, यह तुम्हारा पहला गुनाह है, फिर भी सरकारी वकील की रिक्वेस्ट को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आजकल इस तरह के गुनाह काफी बढ़ गए हैं, जनता की संपत्ति की सुरक्षा का खतरा है, लोगों में दहशत ना बैठ जाए, इसलिए साइकिल की चोरी करने के इल्जाम में अदालत 2 महीने की तुम्हें सजा सुनाती है। 2 महीने? मेरी बच्ची का क्या होगा? अच्छा हुआ, अच्छा सबक मिला उसे, छूट जाता तो ना जाने कितनी चोरियां करता वो। अच्छा हुआ पकड़ा गया। नहीं नहीं नहीं, तो जाओ मर। माफ करो, मेरी वजह से। मास्टरनी जी आइए। छात्र जी बैठिए। अब आने के लिए कह रही हो, मगर इंस्पेक्टर साहब के सामने बोलती बंद हो गई थी, इमेज खराब हो रही थी ना। मास्टरनी चिक्की वाले से कैसे बात करती? ऐसी बात नहीं है छात्र जी। नहीं, कैसे नहीं है और क्या है? ये क्या है? टॉफीज है काका। क्या ये मेरी चिक्की है? लगता है इसके ऊपर लेबल लगा दिया गया है। स्कूल में ये चिक्की चलेगी क्या? क्या जमाना आ गया है, क्या दुनिया ढोंग करती है बाबा। ऊपर कपड़ा नया चाहिए, बाकी अंदर चाहे जो हो चलेगा। तम्बाकू दिखाई नहीं दे रही आज। बापू ने तम्बाकू छोड़ दी है।
आज मैंने कहा उनसे तंबाकू में नारकोटिक्स नाम का जहर होता है। छोड़ो, मेरे पिताजी 100 साल के होके मरे, वे 90 साल खैनी खाते रहे। ये किताबी बातों पे मुझे यकीन नहीं होता। हाँ अच्छा, तो विद्वानों ने जो दुनिया में इतना सब लिखा है वो बेकार है? अरे ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विद्वान लोग लिखते हैं, उसकी छपाई होती है, तभी तो रद्दी बेचकर 4 पैसे लाते हैं तुम्हारे बापू। पैसे कमाने के सिवाय कुछ नहीं है इस दुनिया में क्या? पैसे के सिवाय इस दुनिया में कुछ नहीं है। हा? ये मास्टरों ने पगार बढ़ाने के लिए हड़ताल की थी, तुम्हारा श्रीपद मास्टर लीडर था हड़ताल का, इस रद्दी में मैंने नाम पढ़ा था। रद्दी? बेटा कल के अखबार को आज रद्दी पेपर कहते हैं। तुम्हारा वो श्रीपद मास्टर बड़ा होशियार है, वो ऐसे बोल रहा था जैसे जवाहरलाल नेहरू। आपने ये सब कब सुन लिया चाचा? पिछली बार कॉलेज के मैदान पर गया था, 11 रुपए की चिक्की बिकी थी मेरी, वहाँ तुम्हारे उस श्रीपद के भाषण में 6 रुपए की चिक्की बेची थी मैंने। अच्छा तो चिक्की का सेल कितना हुआ इस पर आप आदमी की कीमत ठहराते हैं? सरोज, सरोज। हाँ सरोज। सरोज नहीं सरस्वती, सरस्वती कहना उन्हें पसंद नहीं, इसीलिए मुझे सरोज कहते हैं। ओ, यानी चिक्की की बजाय टॉफी। बाबा किधर हैं? आ तो जाना था अब तक, शायद कहीं रास्ते में रद्दी पेपर पेपर चिल्ला रहे होंगे। बुढ़ापे में ऐसा काम नहीं करना चाहिए तुम्हारे बापू को। क्यों? ये कैसा काम गली गली जाकर फिरो? यानी पोजीशन डाउन होती है इसलिए ना? हाँ उनकी बेटी भी तो कमाती है। अरे बेटी चाहे कितनी भी कमाई करे, वो तो पराया धन होती है ना, बुढ़ापे में कौन पूछेगा फिर। सरोज हमारी शादी के बारे में किसने बताया? उसने नहीं, तुम्हारे ससुर ने बताया, जिसके साथ मैं बचपन से भाई की तरह रह रहा हूँ मास्टर। हा? हा? आज बढ़िया हार पहनाया है माँ की तस्वीर को। आज मदर्स डे है, दोपहर को स्कूल में कार्यक्रम हुआ था ना, यही वजह से माँ की महानता पर बहुत कुछ कहा इन्होंने। अच्छा वो भी बताई जाती है। सरोज दोपहर के कार्यक्रम में जो कविता मैंने सुनाई वो अखबार में छपकर आई है। सच? दिखाओ जरा। हाँ ठहरो मैं पढ़कर सुनाता हूँ। आसमान की विशालता, गंगा की निर्मलता, अनंत का अरूपत्व, ये सब मिलकर साकार होता है राव रूप। उस माँ के रूप का मैं क्या गुणगान करूं, सृष्टि सूचकांक की श्रेष्ठता, मातृत्व की महानता, रत्नाकर की विविधता, प्रकृति की सुंदरता का कहां तक वर्णन करें। साहस के पंख कितने बड़े हैं, माता के उत्थान का उसके चर कमलों का स्पर्श भी दुर्लभ है शब्दों में। वाह 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 वाह, कितने नए नए शब्द जानते हो आप। मास्टर मैं एक पहेली का शब्द लाया हूं। खड़ा आठ, जवान लड़की जवान लड़कियों का मतलब युवक और युवती होता है ना मास्टर। ये चुराने का प्रयास करते हैं। अन्ना का कहना है कि यहाँ दो शब्द आ सकते हैं, मन और धन। धन ही चुराया जाएगा ना, और क्या, मन कौन चुराएगा। अब आपकी ही बात लीजिए, कमाने वाली बीबी को पटाया ना काका। सरोज मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है, मैं बाहर जाता हूं। अरे आप कहाँ जाते हैं, मैं ही जाता हूँ। लेकिन मैं कोई पराया नहीं हूँ श्रीपद मास्टर। ये है तुम्हारा चाचा, कैसे आदमी है, क्या होगा इस देश का क्या पता। बड़ी देश की फिक्र है आपको। अरे हाँ अच्छा याद दिलाया, मेरे पेशे के लोग मुझे इलेक्शन में खड़ा करना चाहते हैं। सच तो हुआ ही है ना, पर पैसे कहाँ से लाऊं। बड़े बड़े भाषण देकर मतदाताओं का मत जीतिए। मन तो जीत लूंगा, मगर मन जीतने के लिए रुपया कहाँ से आएगा। कितना लगेगा? 3000 रुपया। तुम्हारे बापू दे सकेंगे? बापू, रद्दी बेचने वाला ससुर इतना दहेज कैसे दे सकेगा। तो क्या करना चाहिए। पांडुरंगा पांडुरंगा
कुछ नहीं, कोर्ट का फैसला सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे शरीर को लकवा मार गया है। वो आदमी बार बार आंखों के सामने दिखाई देता है। कौन आदमी? कैसा कोड? अरे मास्टर जी, मेरा ध्यान नहीं था आपकी ओर, आप बैठिए ना। नहीं, रहने दीजिए। लेकिन केस के बारे में आपने कुछ कहा? उस साइकिल चोर को पकड़ कर दिया था बाबा ने। अच्छा किया आपने, चोर उसके बहुत बढ़ गए हैं। काम धंधा करने में हराम घोरी आती है। काम धंधा हर किसी को नहीं मिलता मास्टर जी, और मिल भी गया तो घर पूरा नहीं होता। अब हमारा देख लीजिए, हम दोनों काम करते हैं, कैसे तैसे दाल चावल पक जाते हैं। शोबाजी के बारे में सोच भी नहीं सकते, एक खैनी खाते तो वो भी छोड़ दी। वैसे भी खैनी का शौक बहुत बुरा है। शौक तो सभी पूरे होते हैं, मगर सोचा खैनी का एक रुपया बच जाए तो उसमें किसी भिखारी का पेट भर जाएगा। हाँ, लेकिन यही तत्व ज्ञान गलत है। ऐसा करके हम भिखारियों को आलसी बनाते हैं। आदमी यूं ही भीख नहीं मांगता मास्टर जी, चोरी भीख इन सबकी माँ है भूख। अज्ञानियों की तरह बोल रहे हैं तो याद रखिए, इन सबके लिए केवल एक ही उपाय है कि इन सबको उठाकर जेल में डाल देना चाहिए। हाँ, वो सब हमारी समझ में नहीं आता। मैं कहता हूं अपने निवाले में से एक निवाला भूखे को खिलाना चाहिए, बूंद बूंद को ही प्यासे को पिलाना चाहिए। बेवजह करके क्या होगा? भगवान मन में है तन में है, जो पीर बराओ जाने रे, जो पीर बराओ जाने रे। सारी दुनिया ठुकराए जिनको उनको अपना माने, नौकर चाकर दास और सेवक, नौकर चाकर दास और सेवक। उनके नयन में काजल में जो पीर पर आओ जाने रे, जो पीर पर आओ जाने रे। अपने पर आए सब जग के तो, अपने पर आए सब जग के तो, जिसकी सेवा सच्ची सेवा, जिसकी सेवा सच्ची सेवा। भेद जो ये पहचाने रे, जो वीर बराओ जाने रे, जो वीर बराओ जाने रे। सारी दुनिया ठुकराए जिनको, सारी दुनिया ठुकराए जिनको, उनको अपना माने रे, उनको अपना माने रे। नौकर चाकर दास और सेवक, जो पीर बराओ जाने रे, जो पीर बराओ जाने रे। जग तो ऊंची माला, दोनों जग तो ऊंची माला। जैसे माँ कन अंदर बाहर कहीं नहीं है काला, जैसे माँ कन अंदर बाहर कहीं नहीं है काला। भगवान मन में है तन में है, जो पीर पर आओ जाने रे, जो पीर पर आओ जाने रे। बाबा, मुझे रोटी का टुकड़ा देते हो? अरे पांडुरंगा, माँ बाप को बनवास तो दिया, बच्ची को भी वहीं छोड़ दिया। नहीं नहीं, चलो बेटी आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना देता हूँ, चलो आओ चलो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। आज बहुत पैसे गिन रहे हो ना? जो भी डाक खाने में थे सब निकाल कर लाया हूँ भाई। क्यों? कल शिरपा ने बहुत मिन्नतें करके 1,000 रुपया मांगा है। शिरपा ने कर्ज मांगा है? मुझे नहीं बताया उसने। कर्ज का है का?
कोई जरूरत होगी? ऐसी कौन सी जरूरत आप पड़े? दार वाला? हाँ, अन्ना सब्जी वाला कौन? हाँ हाँ मैं। सिर पर रद्दी वाला कौन कहाँ है? क्यों? तार है। हाँ? तार? साइन करो। 17 नंबर। अच्छा। हाँ हाँ यहाँ। कल कर्जा मांगा था, आज तार आया है, क्या झमेला है बाबा? अब इसको पढ़ेगा कौन? मास्टर, ओ मास्टर, मास्टर, ओ मास्टर, 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 ये तार जरा पढ़कर सुना मेरे दो। पास टाइम नहीं हो गया, मैं चलता हूँ। हाँ, शिक्षक संघ की मीटिंग है ना, मुझे देर हो रही है। शिल्पा के यहाँ खाने पर गए थे आज तुम, लता बता रही थी। वो बूढ़ा आकर रोने लगा, उसकी पीड़ा देखकर कौन रहेगा वहाँ? जरा तार पढ़कर सुनाओ ना, मेहरबानी होगी। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा देखता हूँ। हाँ, हाँ, पढ़ो। बाप रे बाप, शिल्पा राव को पहली का पहला इनाम मिला है। अरे कहाँ जा रहे हो मास्टर? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं शिल्पा राव के घर जा रहा हूँ। मीटिंग में जाना था मास्टर, उधर कहाँ जा रहे हो? अन्ना, अब शिल्पा को कितना रुपया मिलेगा? 30,000 मिलेगा। 30,000? 30,000? मैं तो घर जा रहा हूँ। अरे ए, ए, तेरी चिक्की रह गई। हाँ, तेरी चिक्की 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 चिक्की। अरे भाई मुझे देना। अरे भाई मानो, अरे भाई पहले मैं आया हूँ। मिलो मिलो, अरे यार कंग्रेचुलेशन सरोज, 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 कंग्रेचुलेशन सरोज, कंग्रेचुलेशन, धन्यवाद। हाँ, मगर हुआ क्या? इस तार को पढ़ो। हे भगवान, बापू को 30,000 रुपए इनाम मिला है। बापू, बापू, बापू कहाँ है? मुझे क्या पता तुम्हारे बापू कहाँ है? काका, संभा काका, संभा काका, संभा काका, संभा काका, बापू को 30,000 रुपए इनाम मिला है। मास्टर, यह क्या मास्टर, आप कहाँ गई तुम्हारी मीटिंग? दाम है तो दम है, बाकी सब पानी कम है। अब जल्दी से बापू को ले आइए, चाहिए ना। अरे शिल्पा, कहाँ गया था तू? क्यों, क्या हुआ मास्टर जी? आगे अरे शिल्पा, मास्टर क्या, अब तो कलेक्टर भी आ गया तेरे तरफ खाना खाने। अरे पागल, 30,000 का इनाम निकला है, पूरे 30,000। तीस हजार रुपए बापू आ गए। बापू, आपको 30,000 रुपए इनाम मिला है, मुझे क्या दोगे? 30,000? बताइए ना, मुझे क्या देंगे? हमारी मेहनत का पैसा नहीं है बेटे। वाह, अरे आपने कैसे दिमाग लगाकर आपने पहली सुलझाई, तब कहीं जाकर मिला है इनाम। बुद्धि कहाँ इतनी, उस अन्नन ने कुछ चक्कर चलाया होगा और ये इनाम मिल गया। ये उनका पैसा है, उन्हें मिलना ही चाहिए। अरे तुकाराम महाराज, ये सब नसीब का खेल है, ये सब तमाम नसीब की रेखा है। हाँ, ब्रह्मदेव ने खुद खींची है। हाँ, तेरा नसीब हम नहीं ले सकते। हाँ, ये सब कुछ तूने हमारे नाम कैसे कर दिया? ये जो इनाम निकला वो तेरा। हाँ, है, तुम भाग्यवान हो, पुण्यवान हो। हाँ, ये निष्ठा, ये श्रद्धा, वाह। इसमें गड़बड़ होती है मास्टर, एक जैसे बहुत शब्द मालूम है तुम्हें। हमारा इनाम भी यूं ही गया, इसको मिल गया शिल्पा। बापू कुछ तो बताओ, 30,000 रुपए में क्या क्या खरीदोगे? वाह, अब हम लोग मजे से रहेंगे और खूब खरीदारी करेंगे। शिल्पा, मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं गांव की तरफ जा रहा हूँ। कहाँ से लाएंगे? अरे जो सिखाएगा वो झुकाएगा, ऐसा समय आ गया है। अरे गांव के रामजी भोसले ने मोटर खरीद ली है। छी छी, उसने क्या खरीदा, उससे भी हम अच्छी खरीदेंगे। हाँ, लोग देखते रहेंगे। हाँ, रद्दी का धंधा यूं ही चला क्या? नहीं नहीं, बाबा साहब की तरह धंधा करके एक मोटर खरीद, 10-15 हजार की, अपने चेयरमैन की जैसी है ना वैसी। हाँ, उन्हीं के पास चलेंगे। बापू मोटर खरीदोगे ना? हाँ हाँ, उसी मोटर में बैठ के हम लोग कश्मीर चलेंगे। हम भी चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, तुम हरिद्वार, काशी, बनारस, जहाँ भी जाना है तुम चली जाना, ठीक है? शिल्पा, ये लोग इतने खुश हो रहे हैं, तुमने मुंह को ताला क्यों लगाया है?
आंखों में आंसू। बापू क्या हुआ? सरोज लगता है बाबा का हम लोगों की बात से दिल दुख गया है। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मास्टर मैं ठीक हूँ। सरोज ये दिया जला के ला। कैसी परीक्षा है? मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दे, पर रुपयों के लालच में मुझे अपने से दूर मत कर। इन रुपयों की जरूरत मुझसे ज्यादा उनको जरूरत है प्रभु, जो भूख से मर रहे हैं। मेरी सेवा का फल मुझे इस रूप में नहीं दे देवा। मुझे नहीं चाहिए ये पैसा, गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए। पांडुरंगा पांडुरंगा का यानी काया और माँ यानी माया, दोनों शब्द बराबर हैं, पर लिखूं क्या? 5 रुपए की भेल दो। ये ले और निकल। अरे चिड़ता काय को रे है? अरे चल। काया 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 माया। अरे शिल्पा बहुत अच्छे समय पर आया है, चल बता एक शब्द बता या? चल पहली बार जाकर भी तेरे दिल को ठंडक नहीं मिली, फिर वही खेल खेलना चाहता है। ये तेरा पैसा वापस करने आया हूँ। ले ले ये ले ले ये ले, नहीं चाहिए तेरा पैसा, ले ले सब रख। अरे ये क्या कर रहा है? ये सब नसीब का खेल है, अगर मेरी किस्मत में होता तो मुझे मिलता। अरे ये बता बता कि मैं तो पागल होने वाला हूँ। वही तो कह रहा हूँ, मगर इसकी खोपड़ी में कुछ घुसता ही नहीं। भेजे में क्या घुसेगा पत्थर? तुम दोनों ने पता नहीं क्या खेल खेला और मुझे फंसा दिया। मैं जा रहा हूँ। ए, कहाँ जा रहा है तू? ये सब तेरा है और तुझे लेकर जाना पड़ेगा। हाँ, सब समझ गया मैं। लाखों को लूट कर खुश करना चाहते हो मुझे, पर याद रखो ये पैसा गरीबों में बांट दूंगा, अपने पास नहीं रखूंगा। हटो। ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये अच्छी है। ठीक है, ये कार कैसी है? नहीं ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। अच्छी है मगर बहुत छोटी है, स्टैंडर्ड वेगा, बहुत खूबसूरत है ना? ये अच्छी लग रही है। और कीमत होगी 12-13 हजार। पांडुरंगा पांडुरंगा सोजो सोजो। सरोज दिखाओ। बापू हाँ? हम लोग गाड़ी खरीदेंगे ना। बैंक का मतलब क्या? मोटर यानी कार। मोटर मोटर लेके क्या करेगा कबाड़ी बेटा? कबाड़ी? अब आपको कबाड़ी कौन कहेगा? अब आप आसानी से गाड़ी खरीद सकते हैं। और क्या करूं, गाड़ी में रद्दी बेचो। धंधा करने की क्या जरूरत है अभी? पेट को खाना कौन देगा इस बच्ची को? शादी के बाद तुम चली जाओगी अपने ससुराल। मगर इस समय लड़की की फिक्र किस लिए? 30,000 रुपए में हम चारों मजे से रह सकते हैं। हाँ नहीं, उन पैसों से कितनों की भूख मिटा सकूंगा मैं? मतलब 30,000 रुपए तुम बांट दोगे? आ बाबा साहब अब आप आराम से बैठिए, बैठ जाइए बैठ जाइए। बैठकर कैसे चलेगा बेटे? ये बच्ची सो गई थी इसीलिए वापस आ गया। फिर से रद्दी बेचने क्यों जाएंगे आप? ये क्या पागलपन है ससुर जी? सच कह रहे हो तुम लोग। अरे ये 30,000 मेरे लिए तोपदरी की थाली की तरह है, ईश्वर का वरदान है हम पे। 1,000 ऋषियों को भोज करवा सकता हूँ मैं। मतलब
ये तमाम पैसा दान करने वाले तो नहीं है आप? अरे सरकारी गोदाम से लूटे थे दामाद जी ने, ये पैसा तो कुछ भी नहीं है। दाल रोटी के लिए लोग तड़प रहे हैं, उनको रोटी देने वाला हूं मैं। लाचारों को अपने करीब करता है, उसी को मैंने साधु माना, ऐसा तुकाबों ने कहा है। टुकड़ों पे नहीं जी रहा हूं मैं। अच्छा तो साधु बनना है आपको? साधु? उनके पैरों की धूल हूं मैं। अब क्या बताऊं, ये तुकाराम बुकाराम अनपढ़ लोग थे, उनकी बातें मानते रहे तो दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। तुकाराम अनपढ़? यदि वो अनपढ़ थे तो मैं 10 गुना अनपढ़ हूँ। हमारे लिए वही महात्मा ज्ञानी है, तुमसे ज्यादा रिश्ता है, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है हमारे लिए हम वैसा ही बर्ताव करें। यह पागलपन है। जिंदगी में पहली बार इतना आनंद लेने का समय आया है और अदालत के दरवाजे नहीं देखे तुमने, इंसानों को भूत बनते हुए नहीं देखा है तुमने, बीवी बच्चों के पेट की खातिर चोरी करने वाले लोग नहीं देखे तुमने, ये बच्ची इस तरह अनाथ क्यों है? इसके बाप के पास खिलाने के लिए रोटी नहीं थी। ये दिल के कमजोर लोग बातें करते हैं, बजाय इसके जनता को एकजुट करके फतवा जारी करना चाहिए, क्रांति करना चाहिए। कीजिए, किसने हाथ पकड़े हैं आपके? 30,000 रुपयों में कितनी गरीबी कम करेंगे आप? उससे अच्छा अपना जवाई को सुखी बनाओ, इन्हीं रुपयों को इन्वेस्ट करके अच्छा इज्जत का धंधा कीजिए, 30,000 से लाखों रुपए हो सकते हैं। और उन लाखों रुपए को क्या करोगे तुम? प्रिंटिंग प्रेस ले लेंगे, देखते ही देखते 4 लाख हो जाएंगे। और वो 4 लाख चिल्लाकर पूछेंगे नया जुआ कौन सा? धंधा मतलब जुआ? मेहनत से धंधा करते हैं, पैसे से करते हैं वो जुआ है। छी, अरे धंधे में से लखपति बने तो लोग महान कहेंगे आपको, आपका चरित्र छापेंगे। ऐसे 56 चरित्र छपे हैं, मैं ऐसे ही रहूंगा। हे ईश्वर मुझे छोटा बना दे, चीटी नहीं तो शक्कर का दाना ही बना दे। नाराज हो आप? पागल से क्या नाराजगी? कौन पागल? कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारे बाबू पर पागलपन सवार है, दिमाग खराब हो गया उनका। क्या सचमुच पागल हो गए? पागलपन ही है। ₹10 गिन लीजिए, बराबर है ना? हाँ बराबर। हाँ। एक पैसा दे दो बाबा। भैया मुझे भी दे दो। इसे मत देना भैया, अच्छा खासा बीड़ी पी रहा था, यहाँ आ गया काम धंधा। भैया बाद में काम में कम पैसा मिलता था क्या? मुझे भीख मांगने लगे। भगवान के नाम पे मुझे दे दो, मुझे भी दे दो, भगवान तुम्हें बहुत खुशी रखेगा। अच्छा दे दो, हमें भी दे दो बाबा, खुशी रखेगा। गरीबों को क्यों मार रहे हो भाई? ये गरीब ये सब खोटे भिखारी हैं, भीख मांगना इनका धंधा है। धंधा? ये क्या कह रहा है तू? हाँ, इस अंधे को रुपए दे रहे हो तुम? रुपया? देखो देखो इसको, देखा कितना बदमाश है ये, भाग यहां से। ये देखो, देखा इसको, देखो ये भी देखो, भाग भाग यहां से। देखा ये सब कितने ढोंगी हैं? अरे इस तरह से बांटोगे तो बर्बाद हो जाओगे। सच कहा, भीख मांगने का धंधा ही बना लिया है लोगों ने। संभा ये पैसे ले और घर जा। है? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जरा किताब की दुकान में जाकर आता हूँ, कुछ रद्दी पेपर है लेकर आता हूँ। ठीक है। धर्म के काम के बीच में आता है, भगवान तुझे लंगड़ा बनाएगा। चल भाग यहाँ से, भाग। आ गए हो? आओ। रद्दी निकाली है क्या? हाँ वो देखो वहाँ। हाँ ले लो ले लो। नहीं।
तुकाराम महाराज की गाथा, ज्ञानेश्वरी, महाभारत, तुलसी रामायण, ये क्या, ये तो संतों की किताबें हैं, इन्हें रद्दी में रखा आपने? इस तरह की किताबें आजकल दुकान में बिकती नहीं है, तुम्हारी रद्दी में बिकती हो तो देख लो। बिलाल, ऐसी किताबों की डिमांड है, प्रेम कथा, रहस्य कथा, अपना पहला प्रेम, पहचान कौन, बाबूराव बोलतो है, जवान लड़का जवान लड़की, इस तरह की किताबों की मांग बहुत ज्यादा है। मगर ये सभी किताबें रद्दी समझकर ले जाऊं मैं? हाँ ले जाओ। मेरी कल्पना शक्ति के मुताबिक ये बुड्ढा पागल हो सकता है, इनको 30,000 रुपया मिला है। हाँ, मगर सारे पैसे भिखारियों को बांट रहे हैं। इस तरह की बीमारी को डॉक्टर दिलीप ने मोनोफिनिया कहा है, सन्यासी साधुपन इस तरह की बातें करने की धुन सवार हो जाती है आदमी पर। हाँ बिल्कुल वही वही, लेकिन ये बीमारी ठीक तो होगी ना? सडनली एक बार ट्रीटमेंट हो जाए तो उनकी परछाई भी उनके शरीर पर नहीं आ सकेगी। फिर ठीक है, वरना मुझे पिक्चर दिखाई दे रही है, भिखारियों को पैसे बांटकर ससुर जी कंगाल हो गए हैं और वो खुद भिखारियों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहे हैं। बस यही छेछ। आप चिंता मत करो, आज शाम को मैं आपके घर आता हूँ, उस समय आपके ससुर मुझसे मिल जाए। अच्छा, मैं ठीक 5 बजे आपके घर आता हूँ। ओके, इंतजार करूंगा, धन्यवाद, नमस्कार। शिल्पा भोसले, शाम को 5 बजे जाना है। शिरपा रद्दी वाले का कमरा यही है क्या? कौन हो तुम? कौन हो भाई, कौन हो तुम? बैठो नीचे। अरे हा? अरे हमारे ही घर में हम ही को धमकी? बैठो नीचे। हा? बैठते हो गया नहीं? चोरी करने आया? अरे पाखंडी, भीख मांगना छोड़कर चोरी करना शुरू कर दिया है? मैं चोर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर है। डॉक्टर? हाँ। कैसा डॉक्टर? छाता बनाने वाला डॉक्टर? कौन है? काका दरवाजा खोलिए। अरे घर में चोर घुस आया है, अभी ठीक करता हूँ, पुलिस का लफड़ा ही नहीं चाहिए, यही ठीक करता हूँ उसे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मैं जरा मीटिंग में गया था, इस वजह से मुझे देर हो गई। सरोजनी, ये है पागलों के डॉक्टर। नमस्ते। किस लिए आया पागलों का डॉक्टर? यहाँ कौन पागल हुआ है? बापू को पागलपन का दौरा पड़ता रहता है ना। कब? बेवजह पैसे भिखारियों को बांट रहे हैं। वो पागलपन, हाँ वो मैं भी देखता हूँ। आप क्या देखेंगे, पागलों के डॉक्टर ये हैं, पागलपन दूर करना इन्हें आता है आपको? पागल और अच्छे की पहचान नहीं है इसे, यह क्या पागलपन दूर करेगा? खाक। माफ कीजिए डॉक्टर। माफ किया वो इनका कुछ क्या कह रहा है मुझे? नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं, नहीं। मास्टर, शिरपा को पागल ठहराकर उसका पैसा हजम नहीं होगा तुमसे। हाँ मैं उन्हें पागल कहूंगा? फिर क्यों लाया यासीन के साहब को? शिरपा पत्थर मारता है या चावल में मिट्टी खाता है? 4 किताबें पढ़ी होंगी तुमने, मगर खुली आंखों से दुनिया देखी मैंने। हाँ मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन जब से पैसा आया है छोड़ नहीं रहे हो तुम लोग। सरोज, ये मेरा अपमान है। छे, कैसे अनमैनर और अनकंचल लोग हैं, इन्हें 30,000 रुपये का इनाम कैसे मिलता है? मैं पिछले 4 साल से पहलिया बुझा रहा हूँ पर कभी इनाम नहीं मिला। शिरपत रहो, बेवजह ठीक करने पर तुले हैं ये लोग ऐसे ही मरेंगे। चल। क्या है ये, क्या गड़बड़ है? कौन था वो? तो वो था इतर वाला,
इतर वाला पैसा आया ना तेरे पास, आया था मुर्दे पे इतर छिड़कने। चलो चलो। शेरपत राव जीत गए आप। मैं जीत गया? हाँ, दान करने गया था, तमाम भिखारी झूठे और नकली निकले। चलो अच्छा हुआ आपको सच का पता चल गया। सारे के सारे भिखारी झूठे नहीं होते, कुछ सच भी होते हैं। उनकी चिंता समाज को करनी चाहिए। हाँ लेकिन समाज यानी हम लोग ही। हाँ हाँ, समाज मतलब हम नहीं, बड़े लोग। हाँ लेकिन मुझे मिला है ना वो बड़प्पन, इन 30,000 की वजह से। क्या करने वाले हैं इन रुपयों का आप? हाँ ये पैसा लाखों लोगों की पूंजी है। अनन ने बताया मुझे इनाम पाने के लिए लाखों लोग पहले के साथ 50-50 पैसे भेजते हैं। क्या करूं, उन सभी लोगों के पते खोज कर निकालूं, उनके 50-50 पैसे वापस करने हैं। बोलो जो मन में आता है कह दो, पर ये सब रुपया मैं नहीं लूंगा। खुद के बल पर रोटी कमाने की हिम्मत है मुझ में, मुझे किसी का कुछ सुनना नहीं है। तो कीजिए अपने मन का, मैं जा रहा हूँ। श्री श्री। दासबोध दासबोध। ज्ञानेश्वरी ज्ञानेश्वरी। तुकाराम की अभंगवाणी। बेटी मैं जरा हाथ पर धो के आता हूँ, ये ईश्वर की किताबें हैं, इन्हें जरा संभाल कर रखना है। कबीर वाणी महाभारत, ये तो बहुत सारी किताबें हैं। तुकाराम महाराज की गाथा। पहली बार पढ़ रहे हो क्या बापू? बचपन में सुना था, देखते हैं शब्दों का अर्थ वही है या नहीं। जोड़कर धन संपत्ति बनाई, सहज ही कभी व्यर्थ कराई। व्यर्थ कराई यानी खर्च करना होता ना बेटे। हाँ। ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए, किसी भी प्रकार का लालच नहीं करना चाहिए। ये पैसा तो मुझे बगैर मेहनत के मिला है, तो फिर मैं इसका लालच करूं? क्या हुआ बेटी? पता नहीं शायद बाहर कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। एक्सीडेंट? तो फिर लता कहाँ है? खेल रही होगी कहीं बाहर। बाहर जाकर देखो लता कहाँ है। पापा पापा। कहाँ चली गई थी तू? पापा, पापा। हाँ बेटी क्या बात है? पापा चौपाल पर रहने वाली लक्ष्मी अच्छा? बच्चे को लेने गई। अच्छा वो भगवान के घर गई। अच्छा हाँ, पड़ोसी की चाची भी गई बच्चे को लाने। हाँ वो भगवान के घर गई है। पांडुरंगा देवा सब ठीक करे। अरे अरे मेरी बीवी माँ बनने वाली थी, उसके पेट में तकलीफ शुरू हो गई थी, मैं उसे अस्पताल लेकर गया मगर मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए डॉक्टरों ने उसे एडमिट नहीं किया। अरे चल रे चल चल चल। कहाँ? अरे चल। क्या मिल गया? पैसों को सही रास्ता मिल गया। अब कोई ढोंग नहीं रचा पाएगा। कैसा ढोंग? क्या बात करो? गर्भवती महिला के गर्भ को बच्चा ना पाने का ढोंग, डिलीवरी से इनकार, ये 30,000 रुपए, अस्पताल में मुफ्त इलाज के लिए दान दे दूंगा।
मुफ्त? वहाँ गरीब लोगों का इलाज हम मुफ्त में कराएंगे। अरे चल चल, अरे चल चल, अरे अरे सरोज वो कागज तो दे बेटी। कागज? बेटी मैं उन रुपयों की बात कर रहा हूँ। काफी कीमती बिकी है मेरी रद्दी आज, मुफ्त में मिली पर से हजारों जिंदगियां बचेंगी, ऐसा सौदा कभी नहीं हुआ। अपने तो दिमाग की बाहर की बात है, चिपकी हो गई शेरपा। अरे इस दुनिया में जो जन्म लिया है यह देवताओं की दुनिया नहीं है। काका आप भी जाइए ना इनके साथ। हाँ। चलो 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 सर, जल्दी चलो, आता हूँ बेटे। शिरपा शिरपा वो शिरपा। पापा लता सरोज हम यही हैं, तुम आराम से लेटे रहो। आराम कर आराम कर। किसने मारा है इनको? क्यों मारा होगा? लोग उसके पीछे भागे थे, शायद वो पकड़ा गया होगा। हाँ पकड़ा जाएगा पकड़ा जाएगा। शिरपा भोसले इस वार्ड में हैं क्या? यस। मारने वाला यही है, बस उनकी जुबान से यही सुनना चाहता हूँ, बस सिर्फ एक ही बार। ठीक है नर्स। यस डॉक्टर। इसी खूनी ने मारा था तुम्हें शिरपा? पापा लता, पापा लता मेरी बच्ची, मेरी बच्ची लता। पापा आपने मारा दादाजी को? मैंने नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, इसने नहीं मारा मुझे। आपने किसी और को पकड़ लिया, इसने कुछ नहीं किया। आप छोड़ दीजिए उसे। आप कुछ देर इन्हें आराम करने देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, हम लोग जा रहे हैं, चलो। पापा। लता लता पापा। लता सरु दीदी। पेशेंट को आराम करने दीजिए। अन्ना हाँ संभा, अब आप लोग जाइए, मैं ठीक हूं, जाओ बेटी। चलो संभा, उस साइकिल चोर को छोड़ने के लिए कहना, उसने कुछ नहीं किया। तू उस बारे में मत सोच, तू आराम कर। चलो
पास पैसा नहीं था, इसलिए मेरी बीवी ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया अस्पताल के बाहर। जज साहब, उसे छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया। जज साहब, जाना मुझे। हाँ बैठिए ना। कौन हूं मैं? गरीब आदमी हूं साहब, मैं कुछ भी नहीं भूला हूं साहब, उसको छोड़ दो जैसा है, उस साइकिल चोर को छोड़ दीजिए। तुमने मुझे ठीक से नहीं पहचाना। जज साहब हैं, जज साहब, न्यायाधीश, जज, पर सर्वोच्च न्यायालय का। क्या विचार कर रहे हो? सोच नहीं रहा हूं, कुछ रद्दी निकाल कर रखी थी, मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं जाना चाहता हूं। ये आपके बगल में क्या है? कानून की किताब और पुराना केस। कानून की किताब आज के लोगों ने छापी होगी। गुनहगार को छोड़ दिया जाता है और बेगुनाह को फांसी पर लटका दिया जाता है। कानून क्या करेगा? हर इंसान को न्याय नीति समझ में आनी चाहिए। हर एक इंसान को उसे अपने आचरण में लाना चाहिए। उसके बगैर आपकी एक कानून की किताब और ये नीति सब रद्दी पेपर है। जज साहब, क्या वो रद्दी मुझे दे सकते हैं? दे दीजिए प्लीज, मैं अच्छी कीमत दूंगा। बहुत महंगी पड़ेगी, सीधे मौत से सौदा करना पड़ेगा। क्या तैयार हो तुम इसके लिए? दीजिए दीजिए, मेरे हाथों को इनकी बहुत जरूरत है। अब दीजिए। देवा Oh।
डॉक्टर। पता चला है मुझे, बहुत बड़े दिल वाले आदमी थे। 30,000 रुपए को बहाकर गरीब बहनों की दवा दारू का इंतजाम किया। डॉक्टर, क्या यही न्याय है इस जगत का? जिस अनाथ बच्ची के मुंह में निवाला डाला, उसी के बाप ने इस आदमी का खून कर दिया। यही न्याय है इस जगत का। कृष्ण से लेकर गांधी तक महात्माओं के हिस्से में मृत्यु है। चाहे कोई राजा चाहे कोई साधु, जाना है एक दिन सबको यहाँ से, जाना है एक दिन सबको यहाँ से। चाहे कोई राजा चाहे कोई साधु, जाना है एक दिन सबको यहाँ से, जाना है एक दिन सबको यहाँ से। जाए न कोई साथ में किसी के, जाए न कोई साथ में किसी के, कर्म ही जाए साथ में सभी के, कर्म ही जाए साथ में सभी के। चाहे कोई राजा चाहे कोई साधु, जाना है एक दिन सबको यहाँ से, जाना है एक दिन सबको यहाँ से। इस दुनिया का सबसे बड़ा सच, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच, इस दुनिया का इस दुनिया का सबसे बड़ा सच, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच, हर बगिया में आता है पतझड़, नाम हरि का तू जप ले रे बंदे, नाम हरि का तू जप ले रे बंदे। चाहे कोई राजा चाहे कोई साधु, जाना है एक दिन सबको यहाँ से, जाना है एक दिन सबको यहाँ से। तू पाएगा मुक्ति तू कर ले रे भक्ति, तू पाएगा मुक्ति तू पाएगा मुक्ति, तू पाएगा मुक्ति तू कर ले रे भक्ति, हरि के भजन में शक्ति रे, हरि के भजन में शक्ति रे। चाहे कोई राजा चाहे कोई साधु, जाना है एक दिन सबको यहाँ से, जाना है एक दिन सबको यहाँ से। विठल विठल जय जय विठल, 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 विठल विठल जय जय विठल।